हेलो गाइस, ट्रिपल टू डिवाइन लव टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ। आज के दिन मैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी और साथ में एंजल गाइडेंस लेकर, और गाइस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर दिन की तरह चेक करेंगे, सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है आज के दिन में, आपकी एनर्जी ओके। वन मोर कार्ड। ओके, तो मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, किसी बात को लेकर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, या तो आप लोगों की फैमिली में कुछ है, आज के दिन में कुछ हुआ है, या हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में से कुछ सिचुएशन ख़त्म हो गई है, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। जैसे कि हमने कल की एनर्जी में देखा है कि आप लोगों की लाइफ में से कार्मिक सिचुएशन रिलीज होने वाली थी और कुछ लोगों की रियूनियन होने वाली थी, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके साथ बातचीत हो रही है, उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया है, या फिर कोई ना कोई ऐसी एश्योरेंस दे दिया है जिससे कि आप लोगों को पता चल चुकी है कि आपके पार्टनर आप ही के हैं, आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे फ्यूचर में, और आप दोनों अभी एक साथ हो, तो इस वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो, आप लोग एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में हो, अपने आप को हील कर चुके हो और अपनी सोल पर्पस पर आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और कुछ मेरे व्यूवर्स में से ऐसे लोग हैं जिन्हें रिसेंटली कोई ट्रिगर मिली है और वो लोग बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है। कल भी हमने वही एनर्जी देखी है कि कोई कार्मिक सिचुएशन रिलीज हो सकती है, तो हो सकता है आपके लाइफ में से वो कार्मिक सिचुएशन रिलीज हुई है या उनसे आपको कोई ट्रिगर मिली है, और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में हो और रो रहे हो, या अकेले में हो, डिप्रेस्ड लग रहे हो। ओवरऑल आपकी एनर्जी, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर सही नहीं है। चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी क्या है। वॉकिंग अवे। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लेने वाली हूँ। वन मोर कार्ड। ओके, तो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी भी यहाँ पर टू टाइप्स की एनर्जी है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, कुछ लोगों के पार्टनर जिन लोगों को भी ट्रिगर मिला है उनके पार्टनर ने, या तो आपको ऐसा कुछ डिसीजन सुना दिया है कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, या इसके कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा कहा है कि अब और कुछ नहीं हो सकता है, मैं मजबूर हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है कि मैं कहीं पर स्टक हूँ, कुछ नहीं होगा आगे, और इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो। कुछ ट्रिगर आपको मिले हैं आपके पार्टनर की तरफ से, और जो लोग भी बैलेंस्ड एनर्जी में हैं उनके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप दोनों अलग हो, आपके साथ कंप्लीशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के पार्टनर को कि अगर ये आपसे दूर हो जाए, अगर आप दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाए, आप लोगों की बॉडी अगर एक जगह दूसरी जगह मतलब एकदम अलग हो जाए, तभी आप दोनों की सोल अलग नहीं हो सकती है, आप दोनों सोल से हमेशा कनेक्टेड हो। ओके, ऐसी आपके पार्टनर की थिंकिंग है, और आपके पार्टनर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, आप भी उन्हें कभी नहीं भूल सकते हो, और आपके पार्टनर भी आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की निकल कर आए हैं। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। मैं नंबर्स यहाँ पर बता देती हूँ। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 24, ये सारे आपके बर्थडेट्स या स्पेशल डेट्स हो सकते हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के। नंबर 5 हो सकती है, नंबर 16 हो सकती है, नंबर 23 हो सकती है, नंबर 9 यहाँ पर स्ट्रॉन्गली निकल कर आया है, नंबर 9, 18, 27 और हाँ बस यही नंबर्स निकल कर आए हैं स्ट्रॉन्गली। और यहाँ पर मंथ्स निकल कर आए हैं, फेब्रुअरी है, यहाँ पर अप्रैल है, मई है, सितंबर है। ओके, तो ये सारे मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ स्पेशल डेट्स हो सकती है, या एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है, बर्थ डेट्स आपके या फिर आपके पार्टनर की हो सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। एनवी। ग्रोथ है यहाँ पर, एनवी है, इनडिसिशन है, सक्सेस है। तो देखिए गाइडेंस में भी सेम एनर्जी निकल कर आया है। तो अगर आप रिसेंटली सक्सेस आपको मिली है अगर, तो यहाँ से देखिए ग्रीफ है, तो यहाँ पर ग्रीफ के लिए देखिए मैसेज ये है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग
इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो सबसे पहले जो लोग भी यहाँ पर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, या ऑलवेज अपने पार्टनर आपके माइंड में यहाँ पर घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके कार्मिक है, आपको ट्रिगर देकर वो रिलीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यही सोचना है, अगर आपके लाइफ में से कुछ लूज हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आगे चलकर कुछ फ्रेश, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप एक दिन रो लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, ठीक है आप रो लो, आप उस एनर्जी को रिलीज कर दो, ज़्यादा दिन तक आप इस एनर्जी में मत रहो, जल्दी से जल्दी खुद को हील करो, आगे बढ़ो और कुछ नया अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। ओके, डेफिनेटली इससे भी बहुत अच्छा कनेक्शन आपके लिए वेट करा है, बिलीव मी। ओके, और यहाँ पर एनवी की एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल भी जेलसी की एनर्जी में नहीं आना है, आपको कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना है, या फिर उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर को नहीं सेंड करनी है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ खराब हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में, अगर ये ख़त्म हो चुकी है, आपके पार्टनर ने अगर कुछ ऐसा कह दिया है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी ही कार्मिक थी, इसीलिए मुझे ट्रिगर देकर गया है, अभी मुझे बस ग्रो करना है, अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़नी है। क्यों ऐसे पार्टनर के पीछे पड़े रहना जो आपकी परवाह ही ना करे, जो आपके लिए डेडिकेटेड ही ना हो। ओके, बिल्कुल भी एनवी की एनर्जी में मत रहिए। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कन्फ्यूज्ड है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड मत होइए, आगे जो कुछ भी होने वाला है आपके लिए अच्छा ही होगा। जस्ट गो विद फ्लो की एनर्जी में रहिए, खुद को हील करिए, खुद को लव दीजिए, अपने आप में पीस को फाइंड करने की कोशिश करिए। ओके, जो करने में आपको अच्छा लगे वो ही कीजिए। ओके, बिल्कुल भी अपने पार्टनर के पीछे पड़े मत रहिए, उन्हें स्टॉक मत कीजिए, स्पाई मत कीजिए, गिड़गिड़ाइए मत, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको रखिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, जो करने में आपको फ्रेश फील हो, अपनी माइंड को आप हील कर पाओगी, वही सब काम आप कीजिए। ओके, और जिन लोगों को भी यहाँ पर रिसेंटली सक्सेस मिली है, उन्हें भी अपनी एनर्जी को बैलेंस रखनी है, उन्हें भी अपने आप में प्राइड की एनर्जी को नहीं लेकर आनी है। अगर सक्सेस मिली है उसमें डेफिनेटली डिवाइन की कुछ प्लानिंग है, आपके लिए कुछ प्लान डिवाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके साथ आपके पार्टनर को मिलकर बहुत कुछ करना है आगे, आप लोगों को अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आनी है। ओके, तो आप लोगों के लिए यही है गाइडेंस, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में जो लोग भी है वो लोग अपने आप को बैलेंस में कीजिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ पाओ, अपनी लाइफ में कुछ नया आप अट्रैक्ट कर पाओ, बिल्कुल भी पास्ट में अटके हुए मत रहिए। और जिन लोगों को भी सक्सेस मिल चुकी है उन लोगों को आगे चलकर अपने सोल पर्पस पर जुड़े रहना चाहिए, बिल्कुल भी अपने पर्पस से मत हट जाइए आप लोग। ओके, लव लाइफ में अगर बैलेंस आ चुकी है तो लव लाइफ में बिल्कुल भी आप लोग एकदम डूब मत जाइए, जो आपकी पर्पस है उसको डेफिनेटली आप लोग फॉलो करते जाइए। ओके, तो यही है गाइस आज के लिए आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस, आई होप कि आप सभी को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है। और इस रीडिंग के बाद मैं करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स पर एक और रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।